काकू वो देख प्लेन नीचे उतर रहा है ना डॉली, ये रहा ये अभी निकलेगा, ये देखिए आएगा ऊपर, ये देखिए मैं कन्नू की गाड़ी में बैठ के यार बहुत खुश कन्वत घुमा रहा है मस्त। हम भाभी में सारे जने इतनी मस्ती करने में जा रहे हैं, बस जहाँ जा रहे वहाँ नहीं बना सकते, बट यहाँ पीछे रुक के बना रहे हैं बस। चाचू को चाहिए हो तो जी। जय माता दी, जय माता दी। और जोत जला दी गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। पूजा करने लगी थी तुम्हारी आवाज आई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं देख लूँ जरा मुड़ के, तो मैंने कहा एक बार गाइस को गुड मॉर्निंग करवा दूँ पूजा करते करते, उसके बाद बात करती हूँ तसल्ली से, ठीक है ना। तुम देखने आ जाओगे फायदा ही नहीं है। नहीं मैं फिर देखता हूँ तू कितना मतलब पूजा करके कितना थोड़ा पाठ करना होता है, ज्यादा थोड़ी। हाँ वो मुझे पता तू कितना पूजा साहब। जल्दी उठ गया और मोर्चा निकाल लिया डब्बा मेरा निकल, मेरा डब्बा ये तो ये भी कौन से वाला है, ये रिच वनीला। हाँ। तो आप क्या रूटीन है भाई साहब आज का, हो गई है पूजा आपकी? हाँ जी पूजा हो गई है, 7 तक की ना, तो वो लंच लुंच पैक कर रही थी, पैक करके थोड़ा सा चाय चुई रखती हूँ बनाने के लिए बस। अच्छा 7 का तो फिर एग्जाम है आज। हाँ चल ठीक है, चिंदी आ गया जी, बात सुन ले आ गया। चल ठीक है, मेरे को भी दे दो भाई साहब नाश्ता वास्ता, दो हम भी जाएं दुकान पे, हमें भी धक्का मारो देखा। पापा पहले अपने बटर पनीर मसाला बनाया था ना एक बार, कब एक बार बना देना है, हो गया काफी दिन हो गया, अब उसको याद आ रहा खाने का ना, वो चाय भी नहीं बन जाता है उसको। अच्छा पनीर को फ्राई करके बनाते हैं, वो वाला बना देना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। चल ठीक है भैया बना दूंगा, आलू डाले बिना आलू, थोड़ा सा आलू में फ्राई कर लेंगे साथ में, ठीक है। अभी मैं दोपहर दोपहर में नहीं बनाऊंगा, दोपहर में नहीं बनाऊंगा, रात में बनाएंगे, ठीक है ना। चलो गाइस आपको भी रेसिपी दे देंगे, पूरी रेसिपी दे दूंगा मैं आपको, क्योंकि छोले बनाए थे और उसकी रेसिपी पूरी हम दे नहीं पाए, तो गाइस इसकी रेसिपी मैं पूरी दूंगा आपको आके, ठीक है ना, रात को बनाएंगे। ओके और उसके साथ भाई ये रोटी भी ले आना प्लीज। तो गाइस कैसे हो गाइस, मेरे पास कोई कमेंट्स आया था कि आप अपनी शॉप पर जो ट्राउजर कोट पैंट कुर्ते पजामे किसी भी चीज़ का नाप लेते हो, आप खुद लेते हो और कटिंग कौन करता है? तो गाइस नाप भी मैं खुद लेता हूँ, कटिंग मैं भी खुद करता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है ट्राउज़र की, ये ट्राउज़र कट होगी अभी, तो मैं आपको दिखाऊँगा, ये नाप भी मैं लेता हूँ और कटिंग वोटिंग सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, मैं किसी को नहीं देता। बाकी जो कारीगर मैंने रखे हैं, वर्कशॉप है मेरी, मेरी दो दो जगह वर्कशॉप है। तो गाइज ये काट रहा हूँ मैं पेंट, कौन आए हुए हैं ये, कौन है इंट्रोड्यूस कराओ, खुद करेंगे अपनी इंट्रोड्यूस, बोलो बेटा। आप तो आप मिल चुके हैं ना पहले, आप कौन हो, नाम बताओ अपना। हनी, हनी यो यो हनी सिंह। और डॉली ये कौन है, ये बताएंगे अपने आप, बताओ भाई आप कौन हो, मेरा छोटा बिलाड़ला भाई, सबसे छोटा शशांक। और ये आए हुए थे लंच करने, आया था मैंने कहा देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं, कब आया, ये आया यात्रा करके हेमकुंड साहिब के, सही हो गए दर्शन हेमकुंड साहिब के, बढ़िया दर्शन हो गए, फर्स्ट क्लास, ठंड थी वहाँ पर, काफी ज्यादा आपको पता है। तो गाइस अगर कोई गया हुआ है हेमकुंड साहिब के तो कमेंट्स करके बताना, खैर हम तो अभी गए नहीं है, और ये यात्रा करके पहली बार यात्रा करके आए हैं, हेमकुंड साहिब की यात्रा बहुत कठिन होती है और भगवान अपने आप ही शक्ति देते हैं, वाहेगुरु जी अपने आप ही मेहर करते हैं, बस अपने मन में विश्वास है, कोई चीज कठिन नहीं है। बर्फ थी हनी वहाँ पे, ये छोटा सा अभी एक एक, एक छोटे को नहीं मिले, इसके छोटे भाई से भी मिलवाऊंगा, वो उससे उससे मिलवाऊंगा, ठीक है डॉली। चाय चाय पानी वगैरह दे दे फिर, तो गाइस अगर इसकी वीडियो होगी छोटे की सामर्थ, छोटे कैसे हो, तो गाइस मैं बना रहा हूँ पनीर बटर मसाला। गाइस कढ़ाई में मैंने रख दिया है तेल, तेल को हो रहा है गरम और इसमें डालेंगे डायरेक्ट पनीर। तो गाइस पनीर हमारा बढ़िया से तरीके से फ्राई हो रहा है, इसको 5 मिनट मीडियम आंच पे। गाइस पनीर हमारा गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होना शुरू हो चुका है, मैंने इसके स्लाइसेस में काटे थे, अगर आप चाहो तो क्यूब्स भी। गाइस पनीर हमारा गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन हो चुका है अच्छे ढंग से,
और मैंने इसमें रख दिया है आलू भी, डॉली करिए थोड़े से आलू भी डाल लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है आलू भी इस, मतलब कि इसके साथ अगर आप। तो गाइस आलू अंकल को भी हमने डाल दिया है कढ़ाई में तेल में फ्राई होने के लिए। अब पनीर और आलू की ये पनीर बटर मसाला बनेगा, और आलू ऑप्शनल है आप डाल सकते हो, मैं तो डाल रहा हूँ, काकू को भी अच्छे लगते हैं आलू मसाले वाले। गाइस मैंने देगी मिर्च हल्दी और नमक डाल दिया एक प्लेट के अंदर, अब मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या। और गाइस आलू भी हमारे बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी हो गए, तैयार हो गए। अगर आप चाहो तो ऐसे निकाल के ऊपर चाट मसाला नमक डाल के स्नैक्स के तौर पे खा सकते हो। आलू को भी पूरा फ्राई करना है बिल्कुल अच्छे ढंग से, कच्चा नहीं छोड़ना, क्योंकि आलू पहले डालेंगे लास्ट में पनीर डालेगा। पनीर मैंने इसलिए इसमें डिप किया है क्योंकि ये पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहे। पनीर मैंने इसलिए पानी में डाल के डिप किया मसालों के साथ, एक तो मसाला अंदर चला जाएगा और साथ में दूसरा इस बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, रबड़ की तरह नहीं होगा और इसका फ्लेवर अंदर तक आएगा मसालों का। आलू भी हमारे हो चुके हैं अच्छे तरीके से फ्राई कर दिए पूरे, और पनीर बहुत सॉफ्ट हो गया है, ये देखो बहुत सॉफ्ट हो गया पनीर, बिल्कुल एकदम बहुत सॉफ्ट हो गया पनीर हमारा। और काकू कहता है मुझे आलू पापा डाल के ना चाट मसाला डाल के, थोड़ा चिली फ्लेक्स चाट मसाला डाल के मुझे फ्राई कर दो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो वो वेजीज को मैंने कर दिया है अच्छे तरीके से फ्राई, आलू को अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर दिया, साथ में मेयोनीज है और ये टमाटो केचप है, चाट मसाला डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, काकू का हाथ जा रहा है उसके ऊपर, बताने भी नहीं दे रहा है रेसिपी को। चाट मसाला डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है मैंने, और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी है, ठीक है। तो अब आप इंजॉय कर सकते हो जी, काकू कहते हैं मेरे को बना दो मेरे को भी खाने हैं। तो गाइस ये ऐसे भी फ्राई कर सकते हो, हम तो ऐसे फ्राई कर देते हैं। ये चिली फ्लेक्स दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, इसको अच्छा लग रहा है, बढ़िया बना है, मिंट वाली चटनी पड़ी हुई है, अगर डाल सॉस के साथ अच्छे लगते हैं ना ये वाले, तो खाओ इंजॉय करो। बाकी आपका बटर पनीर मसाला बन रहा है आपके स्पेशल डिमांड पे, मैंने उस पर तंदूरी रोटी, आलू भी मैंने देखते हैं अभी उसके साथ मैंने पनीर आलू भी फ्राई करके डाल दिया, ठीक है ना, अच्छा लगेगा, फ्लेवर अच्छा आएगा इसका। तड़के की बारी, मैंने प्याज काट लिया है, चॉप कर लिया है प्याज को, रफली चॉप कर लिया है मैंने, अब बनेगा तड़के की ग्रेवी, और तड़का रखते हैं फिर आपको बता। मैंने प्याज रख दिए थे और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी थी, और प्याज फ्राई होते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या है। प्याज हमारा भुन चुका, मैंने डाल दिया इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गाइस प्याज अदरक लहसुन भुन चुका है, मैंने चॉप कर लिए हैं, रफली चॉप किए हैं, क्यूब्स में काट लिए हैं टमाटर को, अब ये जाएंगे मसाले में, क्योंकि इसमें क्यूब्स वाले टमाटर ही आप कट करके डालना, पीस के मत डालना, अच्छे नहीं लगे हैं, ग्राइंड मत करना मिक्सी में, क्यूब में काटना छोटे छोटे, और इसका मसाला बनेगा बहुत टेस्ट। इस पनीर बटर मसाला है तो बिना पनीर बटर मसाले के तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें जाएगी अमूल की कम से कम आधी टिक्की, अमूल की आधी टिक्की चाहिए। गाइस ये मैंने डाल दिया है इसमें अमूल का क्वार्टर से ज़्यादा मक्खन डाल दिया है, और टमाटर डाल दिया है, इसको अब करेंगे अच्छे तरीके से रोस्ट और भूनेंगे अच्छे तरीके। मैंने इतना बटर इसमें डाल चुका हूँ, थोड़ा सा बटर और जाएगा इसमें अभी, टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक, नमक हमने इस मसाले पानी में भी डाला हुआ है, ये ध्यान रखना है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना। 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं इसमें दही। तो गाइस टमाटर गलने वाला है और मैंने इसमें डाल दिए हैं मिर्च हल्दी, अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और गरम मसाला बेसिक मसाले सारे गए हैं। बटर पनीर मसाला में मैंने डाला है घर की निकली हुई ताजी मलाई है, ये ताजी मलाई हमारी निकलती है, ये डब्बा पूरा भरा हुआ है। ये देखिए मसाला ऑयल बिल्कुल सरफेस पे किनारों पे आ चुका है, और ये कढ़ाई भी छोड़ रहा है, मसाला हमारा बनकर बिल्कुल हो चुका है रेडी एकदम। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे फिर दिखाएंगे, ये देखो ऑयल अलग हो चुका है, ऑयल और बटर बिल्कुल अलग हो चुका है एकदम, ये देखिए पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, जो इसमें बचा हुआ पानी है वो अब जाएगा इस मसाले में। गाइस पनीर मैंने ग्रेवी में डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है किचन किंग का मसाला 1/2 चम्मच। तो गाइस ये मसाला देखो कितना मस्त ऊपर आ गया है, ऑयल एकदम बढ़िया से तरीके से अच्छे तरीके से मसाला पक चुका है। अभी मैंने आलू नहीं डाले और 2 टुकड़े मैंने पनीर के बचा रख लें, ये बचाए काकू के लिए, पापा मुझे ऐसे पनीर खाना है फ्राइड होके। और ये देखो ऑयल देखो कितना अच्छे तरीके से आ गया, पनीर की सब्जी बन गया डन, अब करेंगे इसकी प्लेटिंग। गाइस मैं आ गया था बटर रोटी लेने के लिए, उस्ताद जी 7 रोटी बढ़िया सी अच्छी करारी करके लगा दो, ठीक है ना, बटर रोटी 7, तंदूर भी खा दो अपना, क्या गरम गरम होया पे तंदूर काटा वधिया जा। गाइस ये हो गई हमारी खूबसूरत सी प्लेटिंग, पनीर या आलू हमने ऊपर सजा दिया, आलू अभी रखे नहीं है अंदर, ग्रेवी में नहीं डाले, आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। पनीर ये रहा कितना अच्छा कलर आया, और बटर ये देखो साइडों में किनारों में बटर उड़ उड़ कर बाहर आ रहा है, बल्कि दिखाओ कैसे है,
ओहो आलू गिर गया मेरे से, आलू गिर गया, आलू गिर चुकी है, कोई बात नहीं। और ये देखो पनीर का चंक्स देखो बिल्कुल टूटा नहीं है, पनीर ऐसे करने से पनीर बिल्कुल भी नहीं टूटा। वो इसलिए नहीं टूटा कि हमने इसको रख दिया था पानी में और सारे मसाले इसने कर लिए हैं, अपने आप चूस लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। हाँ, और ये बढ़िया सा बन गया, हटाना यहाँ से। और ये क्या मस्त वाला तैयार है, क्या मस्त ग्रेवी है, मस्त पनीर मसाला। तो गाइस बनाना जरूर, ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, एक बार ही बनाना जरूर और कमेंट्स करके बताना। तो गाइस गुड नाइट कर दीजिए, गाइस को ब्लॉग की एंड करना है। मस्त पनीर बटर मसाला खाकर मजा आ गया, तो मन भर गया। अब आप भी बनाकर बताएंगे कैसे, आप भी बनाकर अपना मन भर लेना। और इस वीडियो तो गाइस एक बात कहनी है, अगर इसमें आप डालना चाहो तो हरी मिर्चें डाल सकते हो अपने स्वाद अनुसार, अच्छी बहुत अच्छी लगेगी। इस तड़के में हरी मिर्च बहुत अच्छी लगेगी। हमने तो नहीं खाते तो डालते, तो ये मैं नहीं खाता तो मैं डालता नहीं हूँ, अपना अलग से नहीं खाता। और मैं हरी मिर्च का पूरा स्वाद ले लेती हूँ, उसके अंदर अच्छी तरह मैश करके खा लेती। इसने हरी मिर्च को मैश करके अच्छी तरीके से खा लिया। आप डालो तो हरी मिर्च का तड़का लगा सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें और बाय बाय, प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा। ये भी देखो ये ऐसे डाल रहा है, ये कहते मैं क्यों पीछे रहूं, आ जाता।